चेष्टा से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को मुक्ति दिलाई और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए किसानों के प्रति कि 0% ब्याज। आज हमारा किसान मध्य प्रदेश का 0% ब्याज पर सोसाइटी उठाता है और खेती बाड़ी के धंधे में समृद्ध और सुखी और संतुष्ट और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। दूसरी तरफ हम देखें तो आप देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति करी है मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार ने। झाबुआ जैसे आंचल की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश तो ठीक है, झाबुआ जैसे आंचल में मेघनगर में हमने कॉलेज खोला, राणापुर में कॉलेज खोला, झाबुआ में मॉडल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और थानला में कॉलेज, पेटलावत में कॉलेज, यानी एक जाल फैलाया शिक्षा के क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लिए कि यहाँ के नौजवान युवतियाँ और युवक शिक्षित होकर दीक्षित होकर बड़े अधिकारी और मध्य प्रदेश के उन्नति में अपनी सहभागिता निभाए। दूसरी तरफ आप देखें स्व सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री जी ने एक अभूतपूर्व काम करा। देश का पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर 50% आरक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किसी सरकार ने किया है तो हमारे फुलवाली पार्टी की सरकार ने शिवराज मामा ने किया है। उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को 50% जिसका लाभ आज झाबुआ के 375 ग्राम पंचायतों में 6 जनपदों में हम और एक जिला पंचायत में हमारी माता और बहनें नेतृत्व देकर महिला सशक्तिकरण का गुणगान कर रही है। दूसरी तरफ हम देखें समूहों को हमने बढ़ाया, समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के जरिए महिलाएं समूह चलाती है। महिला सशक्तिकरण में ये दिशा भी ये कदम भी अभूतपूर्व है मध्य प्रदेश सरकार का। महिला सशक्तिकरण में आप देखेंगे क्या समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो माता और बहनें बेरोजगार के नाम से वो करती थी, पलायन का आरोप लगता था। मैं बताना चाहता हूं आपको बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कोर्ट करेंगे इसको तो आपको आनंद आएगा। जब सभी सरकार थी उस समय उद्योग मंत्री वीरेंद्र सकलेजा जी थे, उन्होंने उनके कार्यकाल में उस समय 2 औद्योगिक क्षेत्रों का घोषणा की थी। उसमें धार जिले का पितनपुर औद्योगिक क्षेत्र एक बना था और झाबुआ जिले का मेघनगर एक औद्योगिक क्षेत्र बना था। मैं पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि कांग्रेस बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते कि बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया और इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ भाइयों आप सबके सामने कि आज पिथनपुर औद्योगिक क्षेत्र देखिए एशिया में टॉप कर रहा है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनप्रतिनिधि थे, उनने चिंता करी और उसको एशिया का सबसे टॉप मोस्ट औद्योगिक क्षेत्र बनाया। दूसरी तरफ झाबुआ जिले का संदर्भ में बताना चाहता हूँ, यहाँ का मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र के क्या हाल बेहाल हो रहे सर्वविदित है आपके सामने। यहाँ पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सांसद थे जिन्होंने मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र को विकास की दिशा में शून्य कर दिया। आपको स्मरण में होगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी एक आई थी स्वपाल को लेकर, वो राज्यपाल को यहाँ उद्योग डालेंगे, शिलालेख था, आज शिलालेख का अता पता नहीं है। रेलवे का उन्होंने शिलालेख करा, आज अता पता नहीं है। ये ऐसी स्थिति में कांग्रेस किस आधार पर हम पर आरोप लगाते, वे यदि औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो जाता तो झाबुआ जिले के कई आदिवासी युवक युवतियों को, शिक्षित युवक युवतियों को, अनपढ़ युवक युवतियों को वहाँ रोजगार मिलता, पलायन की समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो जाता, परंतु इस दिशा में कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया है, ये सर्वविदित है। कांतिलाल भूरिया हो या तत्कालीन जो भी कांग्रेस के नेता हो, जबकि केंद्रीय मंत्री रहे, प्रादेशिक मंत्री रहे, इन्होंने कोई उस दिशा में काम नहीं किया। बंधुओं आज आपको मालूम होगा कि आज बड़े औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक घराने पिथनपुर से लगाकर मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आ रहे हैं, यहाँ पर आर्थिक रूप से इस प्रदेश को समृद्ध बनाने की दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। हम और आगे की बात करें तो आप देखोगे कि आज पुलिस विभाग में हमारी माता और बहनों को भर्ती किया जा रहा है, उनको सशक्त बनाया जा रहा है, उस दिशा में भी उनकी चिंता की जा रही है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये भी एक सुनहरा पल है हमारे लिए। आगे की बात करें तो आप देखोगे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए शिवराज जी ने कोई कोर कसर नहीं रखी। आज आप देखते होंगे झाबुआ जिले में हजारों वर्ग किलोमीटर हमने सड़क बना दिए,
और उन सड़कों पर हमारे वनवासी समाज के नौजवान, बेरोजगार नौजवान युवक, या हद तक युवतियां भी आजकल गाड़ियां चला रही है, वो सवारी ढोने के रूप में, टैक्सी के रूप में गाड़ियां चलाकर अपना रोजगार व्यापन उत्पन्न करके सुख अपने परिवार को सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, उनको रोजगार मिल गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि यह रोजगार नहीं दिया, तो ये देखने देखने का दृष्टिकोण है, किस दृष्टिकोण से वो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। जहां तक कमलनाथ की सरकार की बात करूं, मध्य प्रदेश के सुश्री मुख्यमंत्री शिवराज मामा ने जो अभूतपूर्व योजनाएं लागू की थी, 15 महीने का शासन आपने भी देखा है, 15 महीने के अंतराल में उन्होंने जिस प्रकार सारी योजना को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और आदिवासी हित की बात करते हैं, आदिवासी स्वाभिमान यात्राएं निकालते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये कैसी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, वे हमारे जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं कि आदिवासी विरोधी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि जब बहुत पहले झाबुआ मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता थे, शिव भानु प्रताप सिंह, नाम सुना होगा, मनावर के विधायक थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में थे, जनजातीय समाज का नेतृत्व करते थे, उनको उन्होंने सर्वाधिक मतों से जीत कर आए, और फिर कांग्रेस विधायक दल में मुख्यमंत्री की बात चली तो 3 दावेदार थे, अर्जुन सिंह, कमलनाथ और शिव भानु प्रताप सिंह आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे। सर्वाधिक वोट कांग्रेस दल के नेताओं ने शिव भानु प्रताप सोलंकी के नेतृत्व में वोट दिए, परंतु ये आदिवासी विरोधी चेहरा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आदिवासी विरोधी चेहरे को बेनकाब करने का ये समय है। उसने उस समय कांग्रेस के नेताओं ने, कमलनाथ तीसरे स्थान पर रहे, सेकंड पर अर्जुन सिंह रहे, तो कमलनाथ ने क्या चाल चली जो आदिवासी हित की बात करता है, अभी वर्तमान में हमारा पूर्व मुख्यमंत्री, उसने यह कहा कि जो मेरे को वोट मिले हैं, मैं आदिवासी नेतृत्व को न देते हुए अर्जुन सिंह के पक्ष में वो मतदान करता हूं, और अर्जुन सिंह को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया वोटों का, और उस समय एक सामंत था, एक राजशाही परिवार के व्यक्ति को, उस अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक आदिवासी नेता को पीछे धकल दिया गया। तो आप तय कर लीजिए कि भाजपा आदिवासी विरोधी है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, ये आपको तय करना है। ये मैंने आपको उदाहरण दिया, और ये स्वप्रमाण सिद्ध। निश्चित रूप से आप सबको पहले तो चंद्रयान की जो अभूतपूर्व सफलता हिंदुस्तान को मिली है, यहाँ के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का जो अथक प्रयास सार्थक सिद्ध हुआ है, उसके लिए मैं हृदय कंठ से संपूर्ण जिले की भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ता के सब पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, हमारी सरकार को 20 साल हो गए, 20 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि पहले तो मैं बता दूं कि जब हमें सरकार मिली उस समय बंठाडार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर शासनकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ थे, जिन्होंने इस प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। बीमारू राज्य के हालत में यह हमें मिला, कब बिजली आए कब बिजली जाए, गड्ढों में सड़क में गड्ढे, इस प्रकार की हालत, और कई लाखों का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार पर काबिज था। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज जी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरकार मिली, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहला काम प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री मामा जी ने यह किया कि सब बीमारों राज्य को विकसित प्रदेश के रूप में ढालने का प्रयास किया, और जिसका सद परिणाम आज आप और हम सब देख रहे हैं कि आप 24 घंटे बिजली मिलती है, सड़कों का जाल फैला हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, गांव-गांव में विकास की अविरल धारा आज इस सड़क के माध्यम से बह रही है, रोजगार के संसाधन उत्पन्न हो गए हैं, और सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को लाभान्वित किया जा रहा है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे 0% किसान को लाभ देने की योजना हो। कांग्रेस के समय में 17% ब्याज, और किसानों पर इस प्रकार अत्याचार होता था
ठंड के समय वो चुक जाते थे चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ फिर उनको पुलिस के साथ सोसाइटियों के मैनेजरों की टीम जाती थी, ठंड में उन पर ठंडा पानी डाला जाता था, गर्मी में गर्म पानी डाला जाता था, और उनके गांव घर के झोपड़े के बर्तन डगरे डागे जानवर सब समेट कर ये ले जाया करते थे, मारते अलग थे। संसाधनों के माध्यम से जुटाकर जनता को विकास और योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जतन करती है, उसी दिशा में ये सरकारों में कर्ज आता है जाता रहता है, एक सरकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, इसी झापा जिले में खेड़ी गांव में आता, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान गए, जहाँ पर प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार गए, आपके जिलाध्यक्ष भी गए, आप भी गए, लेकिन वहाँ 75 साल हो गए अभी तक सड़क नहीं बनी, 8 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, आप लाखों किलोमीटर सड़क की बात कर रहे हैं। देखिए, अपवाद स्वरूप कोई क्षेत्र ले जाता है नहीं, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे उसके बाद सड़क नहीं बने, ये अपवाद है। तो मुख्यमंत्री मंत्री भी पहुंचे, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ सड़क बनी जाना चाहिए, वो सिस्टम से बनती है, आप जानते हो सभी सिस्टम, तो उसका प्रपोजल आना चाहिए ग्राम पंचायत से या पीडब्ल्यूडी से, उसके बाद प्रपोजल जिला योजना समिति में जाता है, जिला योजना समिति प्रभारी मंत्री के पास जाता है, प्रभारी मंत्री संबंधित विभाग के पास जाता है, और उसके बाद वहाँ पर स्वीकृत होने के बाद उस सड़क निर्माण का श्री गणेश होता है। तो प्रक्रिया में इन्होंने चुप करी होगी प्रशासनिक अधिकारी में, इसलिए वो देर हो रही है, और बाकी कोई कारण नहीं, उनकी देरी के कारण ही देर हो। पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद ना गए थे गोपाल भार्गव, पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद उस गांव में, प्रपोजल नहीं बना के, उसके बाद भी मेरी एक बात सुनिए, प्रपोजल बना के तुम नहीं भेजो और उम्मीद रखो के शासन से या मुख्यमंत्री से सड़क बन जाए, तो ये काम स्थानीय नेताओं का है या कार्यकर्ता नहीं, स्थानीय नेताओं के ध्यान में, और प्रभारी मंत्री से हमारे भानु जी ने 3-4 बार मेरे सामने बात करी, उसका जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को ये माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के पास से पत्र भी आ गया है हमारे विभाग में, यहाँ पर हमारे एक बार विभाग में उसका प्रपोजल बना के भेजा है, हमारे जल्द वो बन गए, बड़ा पत्र भी हमारे पास है, जो डिवीजन भेजा था डिवीजन यहाँ से बोलने वापस उसको भेजा है, बहुत जल्दी उसका निर्माण चालू हो। अच्छा, आपने समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही कि मामा जी काम कर रहे हैं, लेकिन समूह में कितना करप्शन है आपको पता है, अभी गणवेश वितरण का काम हो रहा है लेकिन एक भी समूह गणवेश नहीं सिल रहा है, सारा अधिकारी और दूसरे जो ठेकेदार सप्ताह में उनके पैसा खा रहे हैं। अब देखो, समूह को आत्मनिर्भर के हिसाब से सिर्फ गणवेश तक हम सीमित नहीं है, मतलब गणवेश को आज की दुकानें दे दी गई है, पीडीएस दुकानों का संचालन समूह की महिलाएं कर रही है, देखी कर रही है, आपने जाके देखा कर रही नहीं कर रही, मैं तो देख रहा हूँ तभी तो बोल रहा हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ, कौन सा गाँव है, सभी गाँव पूरे जिले कई गाँव में कर रही है, आप चले जाओ, गणवेश वाला मामले में क्या है, गणवेश का मामला गंभीर है, उसकी बात करेंगे ऊपर, यदि ऐसा है तो उसका हम जांच करवाएंगे, जहाँ तक इस संबंध में जरूर उसमें एक अधिकारी की गड़बड़ी थी, उस अधिकारी को यहाँ से हटा दिया गया है, क्या कि जब उसकी जो प्रोसेस थी उसमें स्टार्टिंग में यहाँ पर महिलाओं को देना था, लेकिन उन्होंने उनकी जो मानसिकता थी भ्रष्टाचार की, उस नीति के अंदर उन्होंने कहीं बुरहानपुर में किसी को करा था, हमने सारे डिटेल्स मांगा है वो ले कर फिर हम आपको बताते कौन कौन से समूह में उन्होंने करा था, वास्तव में ये चीज़ आई है सामने, आपके माध्यम से भी आई, पहले भी आई है, और वो जो अधिकारी ऐसा मालूम पड़ा था तो उसको तुरंत मैंने कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री से अवगत करा के उसकी कार्रवाई हो गई है, बाकी वो ये चीज़ आई है तो इसको हम दिखा देंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने नीत नई योजना हमारे स्वरोजगार के लिए नए युवकों को नए नए आयाम दिए, आज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश के साथ झाबुआ जिले के 6 ब्लॉकों में हमारी कन्या आवासीय परिसर योजनाओं का निर्माण किया गया है, कभी कांग्रेस ने चिंता की थी हॉस्टलों के बाद हाल तो उनके जमाने में, परंतु आज अंतर देखिए हमारी सरकार का, विकास की गंगा हम बहा रहे हैं, आज 6 विकास खंडों में
कन्या आवासीय योजनाओं के माध्यम से यहाँ की जो हमारी जनजातीय समाज की माता और बहनें हैं उनको शिक्षित और दीक्षित करने के लिए, उच्च शिक्षा उनको प्राप्त करने के लिए आज उनको कन्या परिसर, वहाँ रहने की सुविधा, वहाँ खाने की सुविधा, वहाँ पढ़ने की सुविधा, खेलने की सुविधा, सारे संसाधन, पठन पाठन करने के लिए बड़ी सुसज्जित लाइब्रेरियाँ, इस सारे निर्माण हमारे इस झाबा जिले के 6 विकास खंडों में किए गए हैं। ये परिवर्तन है, ये विकास का परिवर्तन है, ये देखना चाहिए। आप देखिए, और आगे की बात करूं तो आपको मालूम होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जनजातीय समाज के नौजवान युवतियाँ जो 7 समुंदर पार पढ़ने जाती है, विदेश पढ़ना जाना चाहती है, उनको पूरी निःशुल्क सुविधा प्रदान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए हम हर क्षेत्र में आगे हैं और विकास के आधार पर, जनता के हितैषी कार्यों के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में हम पुनः सरकार बनाएंगे और झाबुआ जिले की 3 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराकर कमल खिलाएंगे। इस आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम जीत कर आएंगे, सरकार हमारी बनेगी। और फिर नई इबादत, नर्मदा योजना की बात करूँ, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, चलो ठीक ठीक नर्मदा योजना का ले लो, फिर खत्म करो। तो नर्मदा योजना हमारी ऐतिहासिक योजना है, जिससे अलीराजपुर जिला और झाबुआ जिला हमारा लाभान्वित होगा, और इतनी दूर की कल्पना एक संवेदनशील मुख्यमंत्री कर सकता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, शिवराज मामा ही हो सकता है, बाकी मुख्यमंत्रियों से हम क्या कल्पना कर सकते हैं। आप सब ने देर पूर्वक मेरे विचारों को सुना, मेरी बातों को सुना, इसे सारे प्रेस के साथियों को बहुत बहुत आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं 2003 की बात हुई, दिग्विजय सिंह के समय 20,000 करोड़ का कर्ज था मध्य प्रदेश का, आज 3,30,000 करोड़ का कर्ज है और एक एक व्यक्ति के ऊपर 47,000 रुपए पर व्यक्ति पर कर्जा है मध्य प्रदेश का। तो विकास हो रहा है ना, विकास में कर्ज, ब्याज पे 20,000 करोड़ रुपए प्रति महीना है। कोई भी सरकार अपने आर्थिक संसाधनों को किसी भी माध्यम से जुटाकर जनता को विकास और योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जतन करती है, उसी दिशा में ये कर रही है। तो सरकारों में कर्ज आता है जाता रहता है, एक सरकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसी झाबुआ जिले में खेड़ी गाँव में आता, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान गए, जहाँ पर प्रभारी मंत्री इंद्र सिंह परमार गए, आपके जिलाध्यक्ष भी गए, आप भी गए, लेकिन वहाँ 75 साल हो गए अभी तक सड़क नहीं बनी, 8 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, आप लाखों किलोमीटर सड़क की बात कर रहे हैं। देखिए, अपवाद स्वरूप कोई क्षेत्र ले जाता है, नहीं खुद मुख्यमंत्री पहुंचे उसके बाद सड़क नहीं बने, ये अपवाद है। देखो, मुख्यमंत्री पहुंच गए इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ सड़क बनी जाना चाहिए, वो सिस्टम से बनती है, आप जानते हो सभी सिस्टम, कि उसका प्रपोजल आना चाहिए ग्राम पंचायत से या PWD से, उसके बाद वो प्रपोजल जिला योजना समिति में जाता है, जिला योजना समिति से फिर प्रदेश प्रभारी मंत्री के पास जाता है, प्रभारी मंत्री संबंधित विभाग के पास जाता है, और उसके बाद वहाँ पर स्वीकृत होने के बाद उस सड़क निर्माण का श्री गणेश होता है। तो वो प्रक्रिया में इन्होंने चुप करी होगी प्रशासनिक अधिकारी ने, इसलिए वो देर हो रही है, और बाकी कोई कारण नहीं। हमारी तो मंशा है सबको सड़क बनाने की, और बन रही है और बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी। वहाँ 20 साल लगे इसकी प्रोसेस के लिए, प्रोसेस में 20 साल नहीं लगते भाई, वहाँ का जो ग्राम पंचायत का जो है सचिव या वहाँ का जो PWD विभाग का सब इंजीनियर है, उनकी देरी के कारण ये देर हो रही है। PWD मंत्री खुद वहाँ गए थे, गोपाल भार्गव PWD मंत्री खुद उस गांव में गए थे, तो भाई प्रपोजल नहीं बना के भेजो, मेरी एक बात सुनिए, प्रपोजल बना के तुम नहीं भेजोगे और उम्मीद रखो के शासन से या मुख्यमंत्री से कि वहाँ सड़क बन जाए। तो ये काम स्थानीय नेताओं का है या वहाँ के ग्राम नेताओं का? स्थानीय नेताओं के ध्यान में है, और प्रभारी मंत्री से हमारे भानु जी ने 3-4 बार मेरे सामने बात करी, उसका जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस में लिया, मैंने PWD मंत्री जी के पास से पत्र भी आ गया है हमारे विभाग में, यहाँ पर लोक निर्माण विभाग में, और उसका प्रपोजल बना के भेजा है, बहुत जल्द वो बन जाएगी, पूरा पत्र भी हमारे पास है, वहाँ से जो आया इंदौर डिवीज़न भेजा था, डिवीज़न से फिर यहाँ से फिर हमने वापस बना के उसको भेजा है, बहुत जल्दी उसका निर्माण चालू हो जाएगा। अच्छा, आपने समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही कि मामा जी काम कर रहे हैं, लेकिन समूह में कितना करप्शन आपको पता है? अभी गणवेश वितरण का काम हो रहा है, लेकिन एक भी समूह गणवेश नहीं सिल रहा है, सारा अधिकारी और दूसरे जो ठेकेदार सप्लायर उनके पैसा खा रहे हैं। अब देखो,
समूह को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सिर्फ गणवेश तक हम सीमित नहीं है। आज उनको पीडीएस की दुकानें दे दी गई है, पीडीएस दुकानों का संचालन समूह की महिलाएं कर रही है, अध्यक्ष कर रही है। आपने जाके देखा, कर रही नहीं कर रही? मैं तो देख रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। कौन सा गांव? मैं ग्राउंड में जाता हूँ। कौन सा गांव? सभी गांव, पूरे जिले के कई गांव में कर रही है। आप एक गांव का नाम बता रही है? अरे आप चले जाओ, कई बार में तो जाके आया, उससे पूछ रहा हूँ। तुम सिर्फ पेटला की बात कर रहे हो, मैं सब पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। मेरे को पता है, सब पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। सब दूर समूह को व्यवस्था दी गई है और जान नहीं दी, वहाँ भी दे रहे, सब समूह को जिम्मेदारी है। और समूह गणवेश वाला मामले में क्या है? गणवेश का मामला गंभीर है, उसकी बात करेंगे ऊपर, यदि ऐसा है तो उसका हम जांच करवाएंगे। जहाँ तक इस संबंध में, मैं दौलत जी को बीच में रोक रहा हूँ, जरूर उसमें एक अधिकारी की गड़बड़ी थी, उस अधिकारी को यहाँ से हटा दिया गया है। क्या है कि जब उसकी जो प्रोसेस थी उसमें स्टार्टिंग में यहाँ पर महिलाओं को देना था, लेकिन उन्होंने उनकी जो मानसिकता थी भ्रष्टाचार की, उस नीति के तहत उन्होंने कहीं बुरहानपुर में किसी वो करा था, हमने सारा डिटेल्स मांगा है, वो लेके फिर हम आपको बताते कौन कौन से समूह में उनने करा था। वास्तव में ये चीज़ आई है सामने, आपके माध्यम से भी आई है, पहले भी आई है, और वो जो अधिकारी ऐसा मालूम पड़ा था तो उसको तुरंत मैंने कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री से अवगत करा के उसकी कार्रवाई हो गई है। बाकी और ये चीज़ आई है तो इसको हम दिखा लेंगे, चूँकि प्रदेश से जैसा आग्रह था माननीय दौलत जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, सारा विषय आ गया उसमें। मैं कल का जो हमारा इतिहास बना है, देश ने कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उस कल्पना को साकार करते हुए हम चंद्रमा पर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने में, हम चंद्रमा पर हिंदुस्तान पहुंचने में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे इसरो के माननीय वैज्ञानिकों ने जो परिश्रम किया, वो मेहनत करी, और माननीय मोदी जी ने उनका जो मनोबल बढ़ाकर हमने जो ये उपलब्धि हासिल करी, मैं समस्त देशवासियों के साथ साथ हमारे झाबुआ जिले के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत, आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ देता हूँ। सारी चीज़ें आ गई है, एक ये कॉपी भी हम आपको सबको वितरित कर देंगे। 20 साल में हमारी सरकार ने काफ़ी विकास किया, इसके संबंध में पूरा डिटेल्स है, दौलत जी ने बताया है, बाकी एक पत्रक भी आपको अवगत कर दिया जाएगा। आपके जो भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। दौलत जी।